हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सिस्टम देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बेसिक्स पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो तीन देखने वाले हम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इसका कॉन्सेप्ट आज विद डेफिनेशन आज हम क्लियर कर लेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, मैं डेफिनेशन छोटी ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना माय मोटिव, तो कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप पूरा वीडियो देखे तो इट क्लोज सिस्टम क्या है। सिस्टम इन विच हीट एंड वर्क ट्रांसमिटेड अक्रॉस बाउंड्री बट मास नॉट ट्रांसमिटेड अक्रॉस बाउंड्री। तो पहले तो बाउंड्री, यूनिवर्स, सिस्टम, बेसिक आपके क्लियर है ऐसा कंसिडर करके मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर क्लियर नहीं है तो पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसमें विद कॉन्सेप्ट ये मेंशन किया हुआ है। इनक्लोज सिस्टम इन विच हीट एंड वर्क ट्रांसमिटेड अक्रॉस द बाउंड्री बट मास नॉट ट्रांसमिटेड अक्रॉस द बाउंड्री। देख लीजिए, ये एक पिस्टन वन है और पिस्टन टू है। ये हाइड्रोलिक जैक का एग्जाम्पल है। तो हमने पिस्टन वन पे फोर्स डाला और यहाँ पे हमने लोड लिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फोर्स डाला तो अक्रॉस बाउंड्री कुछ हीट ट्रांसफर हुआ। हाँ, यहाँ फ्रिक्शन है तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर होगा, ये गर्म होगा। एंड वर्क ट्रांसमिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बाउंड्री के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर हमने लोड लिफ्ट किया तो वर्क ट्रांसमिट हुआ। लेकिन ये जो फ्लूड है, मास है, मास कुछ इस बाउंड्री के बाहर ट्रांसफर नहीं हुआ। आई एम टेलिंग अनदर टाइम, मास ट्रांसफर नहीं हुआ तो हो गई ये क्लोज्ड सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम है, इसमें से इसका मास कांस्टेंट रहता है, मास बाहर नहीं जाता, सिर्फ हीट एंड वर्क ट्रांसफर होता है। ओपन सिस्टम, उसका डेफिनेशन उसको ऊपर वाले से सेम है बट आल्सो मास इज ट्रांसमिटेड। तो इसमें मास आल्सो ट्रांसमिट होता है विद हीट एंड वर्क। ऐसे देख लेते हैं, एक इंजन का एक फोर स्ट्रोक या टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक इंजन कह लीजिए, इसमें हीट, इंजन गर्म हुआ, हीट ट्रांसमिट हुई, रन हुआ, क्रैंक यहाँ नीचे क्रैंक हुआ, क्रैंक रन हुआ, तो इसमें वर्क ट्रांसफर हुआ। तो मास कैसे ट्रांसमिट होते, ये सिस्टम की बाउंड्री कंसिडर कर लीजिए। इनलेट आता है फ्यूल, एयर फ्यूल चार्ज, इसमें से बर्न होता है फिर बाहर जाता है। तो मास क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, मास इनलेट हो गया और मास फिर आउटलेट होगा। तो मास ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा, ओपन सिस्टम। तो ये क्या हो गई, ये एक ओपन सिस्टम हो गई। इसमें से मास आया, प्रोसेस हुआ, बाहर गया, तो ओपन सिस्टम हो गई। फिर आती है आइसोलेटेड सिस्टम। इन दिस सिस्टम डज नॉट, ये दोनों से डिफरेंट है, इनमें इसमें से मास भी ट्रांसफर नहीं होता और हीट एंड वर्क भी ट्रांसमिटेड नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है थर्मास फ्लास्क का इनर एरिया कोटेड होता है जिसमें से मास भी ट्रांसफर नहीं होता और वर्क हीट कुछ ट्रांसफर नहीं होता। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक वीडियो, थैंक।